घटना के बाद सोशल मीडिया के मार्फत या और माध्यम से 10 तारीख को दोबारा भारत बंद के र्यूमर्स अफवाहें चल रही हैं, जिसके चलते कल हमने सभी थाना क्षेत्र में सभी प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिस के जो अधिकारी हैं, SHOs, सभी ने सभी संगठनों की, व्यापारिक संगठन चाहे कपड़ा व्यवसाय से हैं, चाहे सुनार हैं, चाहे और मंडी व्यवसाय से हैं, सभी के मौजूद लोगों से बात की है। तो पूरे बाड़मेर जिले में सभी जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, उन्होंने इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया है। भी इस तरह का कोई भी हम बंद 10 तारीख को करने नहीं जा रहे, और ये मात्र अफवाहें हैं। हम अपने जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं सारे खुले रखेंगे, और ऐसी कोई भी बात, जैसे कल यहाँ पे कोतवाली थाना क्षेत्र में भी नगर परिषद के भवन में हुई, उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया हमें, भी इस तरह के बहकावे में हम किसी में नहीं आएंगे। और उन्होंने सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया है, भी वो कोई भी ऐसे प्रतिष्ठान बंद नहीं रखेंगे। साथ ही किसी तरह के ऐसे र्यूमर्स आ भी रहे हैं, उस पर हम हमारे पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, उस पर भी ध्यान रख रहे हैं। तो हम पूरे बाड़मेर की जनता को यही अपील करना चाह रहे हैं, कोई व्यापारिक संगठनों को, उनको भी अपील यही करना चाह रहे हैं, भी किसी भी बहकावे में ना आए। किसी ने वास्तव में कोई इस तरह का वो आयोजन करने की सोच रहा है, तो विधिवत रूप से परमिशन ली जाए। अगर विधिवत रूप से कोई परमिशन लिए बिना किसी द्वारा इस तरह का किया जा रहा है, तो वो आपराधिक उसमें कृत्य की श्रेणी में आएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक जो हमारे पास पूरे जिले से फीडबैक आ रहा है, कहीं भी ऐसा बंद नहीं रखा जा रहा। फिर भी हम अपने पुलिस के पुख्ता इंतज़ाम उस दिन रखेंगे। साथ ही हम सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो भी चीज़ें चल रही हैं, उस पर निरंतर वॉच रख रहे हैं। कोई विवादित टिप्पणी, किसी तरह की कोई गलत अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी तरह की ऐसी पोस्ट डालता है जिसमें दो समाजों में मतभेद पैदा हों या दो धर्मों के बीच में मतभेद पैदा हों, तो IPC में 153A धारा है, 295A धारा है, प्लस IT Act है, जिसके तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद उस पर कार्रवाई की जाती है, जिसमें 3 से 5 साल का सजा का प्रावधान भी है। और ऐसा कुछ होता भी है तो आपको ज्ञात है कि आज के टाइम में वेरिफिकेशन, कोई भी पुलिस नौकरी या कोई लाइसेंस बनना या कोई पासपोर्ट बनना, उसमें भी फिर दिक्कत आती है और पूरा करियर उसका खराब होता है। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से, नौजवानों से यही अपील करूंगा कि इस तरह के किसी भी झूठे प्रचार प्रसार को इवन फॉरवर्ड भी ना करें। अगर ऐसी कोई बात आती है तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दें। बिल्कुल, कल हमने सब जगह मीटिंग की, तो हमने भी यही बात उनसे पूछी भी, कहीं आधिकारिक तौर पे उनसे कोई संगठन की तरफ से ये चीज़ आ रही है, तो उन्होंने कहा भी सर हमने भी कोई सुनी नहीं है, सिर्फ ये मात्र अफवाह ही चल रही है। तो हमने उनका टेक पूछा, उनका मत पूछा भी, उनका क्या मत है, तो सभी ने एक स्वर में बोला भी हम बिल्कुल भी प्रतिष्ठान बंद नहीं रखेंगे, हम खुले रखेंगे, और अगर किसी के मन में ऐसा है तो वो विधिवत रूप से परमिशन लेगा। पहले काफ़ी मामले ऐसे हैं जिसमें कोई धार्मिक भावनाओं को भड़काने का या कोई जातिगत भावनाओं को भड़काने का मामला सामने आए थे, जिसमें थाना शिव में, थाना सेड़वा में, चौटन में, सदर में कई जगह मामले दर्ज भी हुए हैं, और उसमें जो मुलजिम थे वो अरेस्ट भी हुए। अभी 2 तारीख को जो टोटल बाड़मेर जिले में 17 मामले दर्ज हुए हैं अलग अलग थानों में, जिसमें टोटल 60 के करीब की गिरफ्तारियां हुई हैं। बाकी वीडियोग्राफी देख के सभी को चिन्हित किया जा रहा है, जिनका बिल्कुल एक्टिव एक्ट उसमें सामने आ रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनको हम चिन्हित करके आगे गिरफ्तारियां सुनिश्चित करेंगे। वो सारा हम वॉच रख रहे हैं, इनके जो भी आयोजक हैं उनसे भी हम अलग से मीटिंग करेंगे 14 को लेके, तो उसमें जो भी बंदोबस्त करने की ज़रूरत रहेगी वो बंदोबस्त हम करेंगे। और साथ में जो ये CLG मीटिंग्स और हमने सभी की मीटिंग ली है, तो सभी ने एक स्वर में यही बोला है भी भीमराव अंबेडकर जी किसी एक जाति विशेष के नहीं थे, वो सभी के थे, सभी को उन्होंने संविधान दिया है जिसके तहत हम सब काम कर रहे हैं, तो सभी उसको हर्षोल्लास से उसी हिसाब से बनाएंगे, और किसी तरह की कोई असुविधा किसी को ना हो 14 तारीख को, उसके लिए हम सारे बंदोबस्त करके रखेंगे। बिल्कुल, 144 दो कस्बों में हमने निरंतर जारी रखी है, एक तो बाड़मेर में और एक सिवाना में, और
जो BSF है वो दो कंपनियां हमारे पास हैं, जिसमें एक कंपनी तो मौजूदा बाड़मेर सिटी में तैनात की गई है और एक कंपनी सिवाना में तैनात की गई है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी हम सब पहलुओं पे भी जांच कर रहे हैं। तो अभी कलेक्टर साहब कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे, कृपया वो भी आप एक बार।